हेलो बच्चों, बेटा आज हम प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल डिस्कस होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझने हैं ताकि आप बाकी जो डाउट्स हैं वो खुद सॉल्व कर सकें। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से। उसमें स्टेटमेंट में क्या दिया बच्चों, ये आपको अच्छे से सुनना है और ये आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है वो सुन लीजिए। इसमें क्या है, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ग्राउंड से बेटा 490 मीटर ऊपर, ये 490 मीटर हाइट पर कोई हाइकर है, ठीक है, वो खड़ा है। थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड, और एक स्टोन को इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड से थ्रो करता है। नेगेटिव एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करने के लिए बोला है बेटा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंचेगा। एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, और वो कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। और उसके बी वेक्टर आपको ये फाइंड आउट करनी है, बी वेलोसिटी लिख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। और बी वन है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब न्यूमेरिकल में गिवन हो तो आपको यही यूज करना है, फिर आप पावर 10 नहीं लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट किया है तो क्या हो, इस तरह से जाके ग्राउंड पर गिरेगा, बिल्कुल, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर ये उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी भी, जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यहाँ गिवन है h, तो h लिख लिया हमने 490 मीटर। ओके, उसके बाद u आपका गिवन है, ऊपर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। क्या ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, h की वैल्यू है 490। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट एक होना चाहिए, या तो ऐसा ही या CGS, जो भी आप फॉलो कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर 490 मीटर और डिवाइडेड बाई हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है बेटा। तो ये डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, ये जीरो ऊपर गई और यहाँ से ये 2 पे इसको कैंसिल कर देगा और ये 3 से कैंसिल हो गया। तो अंडर रूट 100 आया, और अंडर रूट 100 को आप सोल्व कर लेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 10 सेकेंड। कितना आ गया बेटा, 10 सेकेंड। ओके, तो ये तो थी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात आती है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी होती है vx i cap प्लस vy j cap। अब vx हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम रहेगा तो वो तो u ही रहेगा बेटा जी, और vy हम फाइंड आउट कर सकते हैं uy प्लस ay t। बोलो बच्चों, v इक्वल टू u प्लस at करोगे ना, ठीक है। तो vy निकाल लीजिए यहां से, uy बेटा जब ux सारा का सारा इनिशियल x को मिल रहा है तो y को जीरो मिला। अब सारी जो टेबल मैंने आपको बनानी सिखाई वो दिमाग में फिट होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो माइनस जी इंटू में टी। ओके, तो यहाँ से टाइम आपको गिवन है, ये आपको मालूम है, आप वी वाई निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको उठा के आप कर देना। तो वी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा आपका यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। बोलो बच्चों, वी निकाल सकते हो, कर सकते हो ना, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, थोड़ी देर में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव ए टारगेट एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर। मतलब ये ग्राउंड मान लीजिए और ये आपका टारगेट है, ठीक है, इससे जस्ट ऊपर 1000 मीटर अबव, यहां से कोई हेलीकॉप्टर है बेटा, ठीक है, आप यहाँ इस तरह से दिखा लीजिए उसको, जो भी है। तो ये कहता है बॉम्ब ड्रॉप किया उसने फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबाउट द टारगेट एट हाइट 1000 मीटर, ये आपका टारगेट। द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, एरोप्लेन ऐसे जा रही है, मैंने हेलीकॉप्टर बना दिया कोई बात नहीं, एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, उसकी स्पीड दे दी आपको
500 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। By how much distance will the bomb miss the target? तो ये जो बॉम्ब यहाँ से ड्रॉप किया आपने, ये आपका इतनी ही वेलोसिटी लेके आएगा। बेटा जी एक बात बता देती हूँ, जो भी पार्टिकल आप चलती हुई बॉडी से ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो जिस बॉडी से आपने उसको अलग किया है, सेपरेट किया है, तो जितनी उस बॉडी की स्पीड होगी, डायरेक्शन होगी, वही अलग होने वाली बॉडी की होगी, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए कि ये बॉम्ब है, उसको ऐसे थ्रो किया है, ठीक है, तो वो इस तरह जाके ग्राउंड पे गिरेगा। तो उसने ये पूछा है कि वो कितनी डिस्टेंस से अपने टारगेट को मिस कर देगा, आपको ये एक्स निकालना है। अब उसने सीधा सीधा नहीं कहा, हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ। अब ये तो आपको सोचना होगा कि टारगेट को मिस किया, कितनी दूरी से मिस किया, टारगेट क्या था, जस्ट उसके ऊपर पहुंच के उसने बॉम्ब गिराया, वो बॉम्ब यहाँ जाके गिरता है, ठीक है, ओके। बॉम्ब जब, अच्छा एक चीज और बता देती हूँ यहाँ से, जो पर्सन यहाँ खड़े होके देखेगा ग्राउंड पे इसको, उसके लिए बॉम्ब का जो पाथ है वो तो पैराबोलिक है, लेकिन हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में से अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए इस बॉम्ब का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितनी देर बाद ये, अब देखो मान लीजिए थोड़ी देर दोनों की स्पीड सेम है, बॉम्ब की एरोप्लेन की, तो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो ये यहाँ पहुंचा तो एरोप्लेन यहाँ पहुंचा, बॉम्ब यहाँ पहुंचा, एरोप्लेन यहाँ पहुंचा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में दोनों सेम टाइम में सेम दूरी तय करेंगे, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो उनको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, ठीक है। तो एरोप्लेन में बैठे हुए पर्सन के लिए इस बॉम्ब का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, बट ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन के लिए इस बॉम्ब का पाथ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी का होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, यू गिवन है, एच गिवन है। चलिए तो एच गिवन है हमारे पास 1000 मीटर और यू है 500 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मीटर पर सेकंड बना लीजिए। तो मीटर पर सेकंड बनाने का तरीका बता रखा है आपको, 1000 से मल्टीप्लाई, 3600 सेकंड से डिवाइड, ये मीटर पर सेकंड, यानी सीधा इसको हटा के 5/18 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने एक बार लिख के दिखाया है, ठीक है। तो 5/18, तो यहाँ से ये आपकी स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए 2h/g से, ओके। एच आपका गिवन है 1000, जी आपका 10 है, आपका यहाँ गिवन नहीं है तो आप खुद 10 ले सकते हो, ओके बेटा। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 × 1000 अपॉन में 10, 10 से 10 गई, तो ये आ गया 10 × 2 सेकंड। अब रेंज पूछी है तो आपको क्या करना है, ux इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, ux कितना है बच्चों, 5, तो ये यहाँ से 2500/18, ux की वैल्यू इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट 10 × 2, ये आपका मीटर रेंज, इतनी रेंज, ठीक है, यानी इतने डिस्टेंस से जो बॉम्ब है वो अपने टारगेट को मिस कर देगा, ओके बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपको दो बिल्डिंग दी गई है आमने सामने, ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग की दूरी दी गई है 180 मीटर, और ये कहता है इस बिल्डिंग में एक विंडो है जो कि 10.9 मीटर अबव है, और इस वाली बिल्डिंग की हाइट गिवन है, और यहाँ पर एक विंडो में खड़े होंगे, यानी इस वाली की जो हाइट है वो गिवन है 55 मीटर, ठीक है। यहाँ से किसी बच्चे ने एक बॉडी या एक बॉल ली जिसको हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से थ्रो किया है, इस विंडो से वो इस विंडो में पहुंचाना चाहता है, इस तरह से वो बॉल यहाँ पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए, इस बॉल के लिए ये आपकी क्या हो गई, रेंज, ओके, और ये इसकी आई होगी, तो एच निकाल सकते हो टोटल में से, ये निकाल दो 55 माइनस 10.9, ये आपका एच आ गया बेटा,
ओके अब कहता क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है बेटा व्हाट विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग सो दैट इट एंटर्स ए विंडो 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड इन द सेकंड बिल्डिंग। ठीक है तो हमें बताना है ये यू कैलकुलेट कर। ठीक है तो यू कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है बेटा, सबसे पहले आपको ये पता है आर मालूम है, देखो रेंज मालूम है, तो आर का फॉर्मूला होता है यू इंटू टी यू एक्स। ठीक है अब किसी तरह का टी मिल जाए तो आप इस फॉर्मूले में आर रख देंगे और टी रख देंगे तो यू निकाल सकते हैं। ठीक है अब टी के लिए क्या करना है, अंडर रूट टू एक्स वाई जी। लो भाई ये तो यही खत्म हो गई कहानी, एच क्या है, ये एच है, ये भी वन है। ठीक है अब आपको सोचना है कि एच पूरा लेना है क्या लेना है, वो आपको देखना है। ठीक है वो बताएगा आपको, तो यहाँ से एच की वैल्यू पुट कीजिए, जी की वैल्यू पुट कीजिए, न्यूमेरिकल डाटा है आप पुट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है एक और देख लीजिए इसमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि एक बॉडी है जिसको पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड यू, यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। एक प्लेन है ऐसे, ये प्लेन है, इस प्लेन के साथ आपने थीटा एंगल पर, देखो इस प्लेन के साथ ये थीटा गिवन है। ठीक है तो इस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। ओके हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट। तो उसने आपसे ये दूरी पूछी है डी, दूरी क्या है ना कि ये रेंज पूछी है, ध्यान से देखो बेटा पूछा क्या है, उसने ये कहा है कि थीटा एंगल पे ये प्रोजेक्ट किया है यू वेलोसिटी से और वो इंक्लाइन प्लेन के साथ बना रहा है थीटा, तो हमें बताना है जो उसका प्रोजेक्शन और जो उसका टारगेट पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हमने क्या ले लिया, ये हमारा वाई है तो ये हमारा एक्स है, हमने इसको ऐसे मान लिया, बोलो मुझे। ठीक है अब एक्स वाई की वैल्यू मालूम होनी चाहिए बस, क्योंकि डी जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है तो एक्स निकालने के लिए पहले एक्स में लिखिए, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई में लिख लीजिए यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज और काम आने वाली है, क्या काम आएगी, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है बेटा तो यहाँ से ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, परपेंडिकुलर समझ लो नहीं, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा टेन थीटा। कहीं पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। अब इसके लिए टेबल बनानी हो आपको तो टेबल बना लो, बाकी न्यूमेरिकल करते वक्त आपको सारी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए एक्स वाई। ठीक है तो यू एक्स आपका यू गिवन है, यू वाई जीरो है, वी के लिए हम कह नहीं सकते, वी एक्स तो वी रहेगा और वी वाई हमारा अननोन है और ए एक्स हमारा जीरो है बेटा और ए वाई हमारा माइनस जीरो। ठीक है तो ये टेबल मैंने आपको बनवा दी है, आप यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए और वो इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है बेटा तो आप यहाँ से डी निकाल सकते हैं। ओके अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में तो वो मुझसे पूछिए। ओके बेटा ये आपका आज ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स थे, नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। ठीक है।